आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके चैनल जहाँ मैथ्स मैजिक पे जहाँ रखते हम आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेनर इन्फॉर्मेशन तो बहुत ही शानदार अपडेट निकल के आ रहा है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ना ब्लॉक फैलो ब्लॉक फैलो का भर्ती हो रहा है डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लॉक फैलो का भर्ती हो रहा है जो ब्लॉक स्तर पर काम करेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक फल फैलों की भर्ती हो रहा है जो ब्लॉक स्तर पे काम करेंगे और बहुत ही शानदार सैलरी इन्हें मिल रहा है लगभग सैलरी की बात करें तो 50 प्लस सैलरी है इसके बाद जो है ना टीए है ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा महीने में पाँच हज़ार रुपया मतलब अगर देखा जाए तो सिक्सटी प्लस सब कुछ जोड़ जाड़ के इनका सैलरी हो जाएगा और इसके लिए क्या चाहिए सब कुछ हम आपको डिटेल में बताते हैं सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं नोटिस बोर्ड में और देखते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी निकल के आया है तो आइए सबसे पहले हम लोग नोटिस निकालते हैं और वहां से देखते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है ब्लॉक फेलो बनने का क्या मापदंड है ब्लॉक फेलो बनने का कैसे इसका प्रक्रिया होगा कैसा प्रोसेस होगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा कौन कौन आवेदन कर सकते हैं ये पूरे डिटेल में हम आपको जानकारी देंगे लेकिन इसके लिए आपको पूरे वीडियो को ध्यान से देखना होगा सुनना होगा अगर आप ब्लॉक फैलो का फॉर्म भरना चाहते हैं तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखना होगा समझना होगा अगर नहीं भरना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है आइए देखते हैं ब्लॉक फैलो बहुत ही शानदार वैकेंसी है और इनका काम होगा ब्लॉक में इनका काम होगा ब्लॉक में जितने भी योजना चल रहा है उसको कोऑर्डिनेट करेंगे ये डीएम के साथ बी डी ओ साहब के साथ जितने भी पंचायत स्तर पे मुखिया हैं उन सब के साथ इनका कोऑर्डिनेशन होगा मतलब सैलरी के साथ साथ मान प्रतिष्ठा सम्मान सब कुछ भी इन्हें मिलेगा आइए समझते हैं क्या है नोटिस में पहले नोटिस निकाल के देख लेते हैं ठीक है फिर आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ चाहिए हम आपको बता देना चाहेंगे कि ये वैकेंसी हर एक जिला में प्रखंड वाइज निकले निकलेगा अभी निकलना शुरू हो चुका है तो सबसे पहले देखिए ये रहा इसका नोटिस और यहाँ से आप जो है ना नोटिस को देख सकते हैं Program. ठीक है है तो फेलो का जो है ना selection क्या, क्या क्राइटेरिया है आइए नोटिस खुल चुका है आपके सामने में अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइक का बटन जरूर दबाइएगा तो देखिए यहाँ पे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार पटना आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम अंतर्गत प्रखंडों में इंस्पिरेशनल ब्लॉक फैलो का चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में उपयुक्त विषय में संबंध में कहना है कि आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम अंतर्गत है प्रखंड फतेहपुर कांच वारीगंज इमामगंज में एक एक इंस्पिरेशनल ब्लॉक फैलो का चयन किया जाना है उक्त से संबंधित विज्ञापन प्रारूप की सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विज्ञापन का प्रकाशन प्रचलित समाचार पत्रों में भी इसका प्रकाशन किया जाएगा देखिए ये है गया, गया डिस्ट्रिक्ट के अ, अलग अलग जो है ना प्रखंड में ये निकल चुका है चार प्रखंड की बात हो रहा है फतेहपुर कोच वारिसगंज एंड इमाम गंज पे ठीक है क्या चाहिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए तो देखिए पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फॉर्म रिप्टेड इंस्टीट्यूशन मतलब आप जो है ना पीजी किए हुए अगर हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं शुड प्रोसेस डेटा एनालिसिस एंड एन प्रेजेंटेशन स्किल्स आप किसी भी डेटा को एनालिसिस करके उसका प्रेजेंटेशन देने का स्किल आप में होना चाहिए शुड बी कन्वर्जेंट विध यूज़ ऑफ़ लोकल मीडियम वहाँ पर जो लोकल भाषा चलता है उसमें आप फ्लुंट होना चाहिए वर्क होना एक्सपीरियंस वर्किंग अगर आपके पास है डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन में तो आपको वार्ता दिया जाएगा ठीक है नॉलेज ऑफ़ द लोकल लैंग्वेज क्लियर ही है तो ये सब चाहिए आपको अगर आप पी जी किए हुए हैं अगर उसमें भी अगर आप हायर एजुकेशन है और डेवलपमेंट सेक्टर में या रूरल डेवलपमेंट ये सब कोर्स किए हुए हैं तो आपको मिलेगा मौका कैसे होगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है एज पचीस से चालीस वर्ष दिया गया है ठीक है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है आइए थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं और नीचे देखते हैं क्या है सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करके भेजना होगा फॉर्म आपका शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा फॉर्म शॉर्टलिस्ट करने का क्राइटेरिया भी है पहले देख लीजिए इनको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा ठीक है इनको किस किस के साथ काम करना पड़ेगा स्टेक होल्डर एन गवर्नमेंट बॉडीज जितने भी हैं सब के साथ मिलकर इनको काम करना होगा प्रोजेक्ट को मेजर करना पड़ेगा प्रोजेक्ट को तैयार करना पड़ेगा उसको वेलुएट करना पड़ेगा ये सब ठीक है नीति आयोग आप जानते होंगे उनके जो प्रोग्राम है उसमें हेल्प करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट स्तर पे ब्लॉक स्तर पे ठीक है स्ट्रेंथिंग गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कैपे कैपेबिलिटीज मतलब गवर्नमेंट का जो भी आ, एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इनको सपोर्ट करना पड़ेगा मतलब अगर कहा जाए तो ब्लॉक में वीडियो डी साहब हो गए डिस्ट्रिक्ट में आपको डीएम इन सबको आपको रिपोर्ट करना होगा द कंपनसेशन पैकेज देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि महीने में इनको पचपन हजार रुपया एज ए स्टाइफन दिया जाएगा और पचपन हज़ार रुपया स्टाइफन दिया जाएगा शुरू के एक साल के लिए पहले रहेंगे बढ़िया काम करेंगे तो फिर आगे देखा जाएगा पचपन हज़ार रुपया स्टाइफन होगा पाँच हज़ार रुपया इनको दिया जाएगा ट्रैवल एलाइंस के लिए ताकि इनको कहीं आने जाने में दिक्कत नहीं हो महीने का तो पचपन पाँच साठ हज़ार रुपया जो है ना इन्हें इन पर महीना में खर्च किया जाएगा बाकी और सारे सुविधाएँ हैं जो दिया जाएगा ठीक है तो ये कंपनसेशन हो गया पहला साल के लिए ऐसे रहेगा प्रत्येक महीना साठ हज़ार रुपया हो गया पचपन हज़ार मैक्सीम है ट्रेवल पाँच हज़ार मतलब महीना में आप अधिक से अधिक पाँच हज़ार रुपया खर्च कर सकते हैं कहीं भी अगर आपका विजिट होता है जाने आने में तो ये सब में आप खर्च कर सकते हैं ठीक है चलिए इसके बाद इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है तो हम सबसे पहले आपको इसमें फॉर्म दिया हुआ है उस फॉर्म को भर के स्पीड पोस्ट करना है आपको जो एड्रेस दिया गया है गया का वहाँ पे आपको उसको भेजना होगा और इसके बाद उसमें क्या है कि टेंथ ट्वेल्थ ग्रेजुएशन और पीजी इन चारों में जो मार्क्स है उस मार्क्स के बेसिस पे आपका सीवी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मतलब आपका बायोडाटा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो सौ नंबर का इंटरव्यू होगा ठीक है लास्ट डेट है इस फॉर्म का पंद्रह जनवरी लास्ट डेट है इस फॉर्म का पंद्रह जनवरी तक आप इसको भर सकते हैं ठीक है पंद्रह जनवरी तक पहुंच जाना चाहिए ठीक है तो अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं कोई भी भर सकता है बिहार के कोई भी लोग इसको भर सकते हैं सिर्फ लोकल लैंग्वेज जो होता है वो आपको समझ में आना चाहिए ठीक है ऐसा नहीं है कि सिर्फ गया वाले ही भरेंगे कोई भी इसको भर सकता है चलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइक का बटन दबाइएगा कॉमेंट करके अपनी क्वेरी को पूछिएगा तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं और आपको थोड़ा बढ़िया से सिलेक्शन प्रोसेस को और बढ़िया से समझाते हैं ठीक है देखिए दिया हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टू स्टेज क्राइटेरिया फ्लोइंग वेज कहते हैं कि दो स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा फर्स्ट स्टेज होगा जिसमें आपका सी को शॉर्ट किया जाएगा ठीक है मार्क्स ऑप्टेनेट इन मैट्रिक एग्जामिनेशन को टेन परसेंट वेटेज दिया जाएगा मार्क्स ऑप्टिनेट इन इंटरमीडियट 10 टेन परसेंट वेटेज दिया जाएगा मार्क्स ऑप्टिनेट इन ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन फोर्टी परसेंट वेटेज दिया जाएगा मार्क्स ऑप्टेनेट इन पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन फोर्टी परसेंट वेटेज दिया जाएगा तो हंड्रेड परसेंट ये हो गया दूसरा इसमें से सौ स्टूडेंट को पहले सेलेक्ट किया जाएगा उस सौ स्टूडेंट में से सबको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा इंटरव्यू जो होगा वो हंड्रेड मार्क्स का होगा ठीक है रिजर्वेशन भी है जो बिहार गवर्नमेंट का रिजर्वेशन है उस रिज़र्वेशन के अकॉर्डिंग भी इसमें सिलेक्शन होगा मतलब आ, देखा जाए तो पूरा का पूरा समझ लीजिए गवर्नमेंट प्रोसेस ही है जिसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा ठीक है कहाँ भेजना है तो डिस्ट्रिक्ट गया डिस्ट्रिक्ट में जो है ना आपको ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ से देख लेते हैं हम देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है इसी एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है और इसी फॉर्म को भर के तब आपको स्पीड पोस्ट करिए चाहे कुरियर करिए इससे आपको पूरा का पूरा भेज देना है साफ साफ इसको भर देना है फिर इसको कुरियर कर दीजिए और जो एड्रेस दिया हुआ है इस नोटिस में उसी एड्रेस पे भर लेना है भेज देना है ठीक है तो बहुत ही शानदार मतलब कह सकते हैं वैकेंसी है और अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो बहुत बड़ा दायित्व होगा आपके साथ बहुत बढ़िया सैलरी के साथ साथ बहुत दायित्व भी आपको दिया जाएगा जो दायित्व है अपने आप में बहुत बड़ा है अगर आप इसमें एक साल काम कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपके लिए और रास्ता खुल जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर आप डीएम वीडियो डी ठीक है ये सब के साथ काम करते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है चलिए तो ये देखिए पूरा का पूरा फॉर्म जिला योजना पदाधिकारी गया ठीक है चलिए तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइक का बटन दबाइएगा कमेंट करके अपने क्वेरी को पूछिएगा ठीक है यहाँ पे पूरा विस्तृत है इसके वेबसाइट जो हम दिखाए आपको खोल के वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को आप भर सकते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइक का बटन दबाइएगा कमेंट करके अपनी क्वेरी को जरूर पूछेगा थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैस मैजिक थैंक यू